हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोडिंग फंडा। तो आज हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो हमारा पहला प्रोग्राम जो हम अभी सीखेंगे वो है कैसे एक नंबर को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो लैपटॉप की जो स्क्रीन है, तो ये VS Code। ओके, तो इसमें हम एक फाइल ऐड करेंगे। ओके, किसके नाम पे ना, एक रिवर्स नंबर डॉट सी के नाम पे। ओके, तो इसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो एक नंबर को हम कैसे रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर हम लिखते हैं 3456। ओके, तो इसको हम ऐसे प्रोग्रामिंग ऐसे कोडिंग हम करेंगे जो ये मतलब आउटपुट जो निकालेगा वो 6543 ऐसे निकालेगा वो आउटपुट। ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे। तो हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग का जो हेडर फाइल होता है वो क्या होता है, वो हैशटैग इंक्लूड। ओके, देखिए इधर जो है ना वो इंक्लूड हम लिखे तो VS Code में वो ऑटोमेटिक वो शो करेगा कि मतलब आपको इंक्लूड लिखना है। ओके, सो इंक्लूड आप हम पहले लिख लेंगे। ओके, इंक्लूड stdio.h। ओके, ये हेडर फाइल। ओके, सो अभी हम ये तो बेसिक आपको पता ही होगा, इंट मेन। ओके, फिर ब्रेक कर देंगे हम। तो अभी हम क्या लिखेंगे, अभी हम देखिए अभी हम कुछ इंटीजर लेंगे। तो पहले हम इंटीजर रख लेंगे n। ओके, इन n। ओके, फिर हम जो रिफ्रेश करेंगे। ओके, ये प्रोग्राम में आपको कॉपी में समझा दूंगा। पहले आप ये कोडिंग देखिए, ये पहले प्रोग्राम बन रहा है या नहीं, पहले हम इसको चेक करते हैं, फिर आपको बाद में मैं कॉपी में पूरा अच्छे से समझा दूंगा। सॉरी, रिवर्स एक ले लिए और एक रिमाइंडर भी हम ले लिए इंटीजर पे। ओके, तो अभी क्या होगा, अभी हम प्रिंट एप एक लेते हैं। ओके, प्रिंट एप पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एप पे लिखेंगे एक हम एंटर नंबर, हमें नंबर एंटर करेंगे इधर, एंटर एनी नंबर। ओके, एंटर एनी नंबर। फिर इसका जो स्कैनअप का काम क्या होता है, देखिए हम स्कैनअप लिखे मतलब इधर आ गया वो। ओके, देखिए हम स्कैनअप लिखे तो ये ऑटोमेटिक इधर शो कर गया कि ये स्कैनअप है। ओके, तो स्कैनअप में क्या रहता है, स्कैनअप में जो हम जिस नंबर को हम लेते हैं उसका वो जो एड्रेस रहता है। ओके, और वो वैल्यू जो एसाइन करेगा वो रहता है, मतलब हम एनी इंटीजर का हम वैल्यू एसाइन करेंगे तो उसका क्या है, परसेंटेज डी है। ओके, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ है। ओके, तो ऐसे ही है। तो ये हम एक इंटीजर लिए मतलब परसेंटेज डी। मैं आपको पूरा समझा दूंगा, पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो एड्रेस ऑफ व्हाट, किसका एड्रेस लिखना है, एड्रेस ऑफ एंटर एनी नंबर एन। ओके, एनी नंबर एन। फिर हम इधर एक लूप यूज करेंगे। ओके, दैट इज व्हाइल लूप। मैं व्हाइल लिखा मतलब देखो, अभी मैं एंटर इधर करूंगा, एंटर करते ये पूरा उसका जो सोर्स है ना वो इधर दिखा देगा। ओके, सो मैं व्हाइल लिखा मतलब इधर वो दिखा देगा कि आपको कंडीशन लिखना है, फिर इधर कोड लिखना है। ये एक VS Code की खासियत। तो व्हाइल हमको क्या लिखना है कि n इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमको n की वैल्यू जीरो नहीं लेना है, जीरो से ज्यादा लेना है या फिर कम लेना है। ओके, मगर हम जीरो ले लिए तो जीरो को हम रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, वही जीरो होगा, तो उसका कुछ मतलब वैल्यू नहीं रहा ना। ओके, सो इधर हम क्या लिखेंगे,
इधर हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर ऑटोमेटिक इधर शो कर गया, रिमाइंडर इक्वल टू, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, पहले इधर हम देख लेते हैं प्रोग्राम लिख के, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इनटू रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, ओके, देन n डिवाइडेड बाय इक्वल टू 10, देन इधर ब्रैकेट खत्म होगा, ओके, देन प्रिंट एफ पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ पे हम लिखेंगे रिवर्स ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ओके, देन रिवर्स, देन ये क्या होगा, ये रिटर्न होगा, तो रिटर्न जीरो, ओके, इधर ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, हमको सेव करेंगे, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ होता है, फिर हम न्यू टर्मिनल क्रिएट करेंगे, फिर तो कंट्रोल प्लस टी, न्यू टर्मिनल क्रिएट हो गया, फिर जीसीसी, फिर हम लिखेंगे जीसीसी, जो फाइल हम लिए होंगे के लिए रिवर्स नंबर डॉट सी, ओके, फिर इसको एंटर करेंगे, इसके बाद आप देखिए इधर ए डॉट ए टेम्प, अच्छा एंटर एनी नंबर, कुछ भी नंबर लिख देता हूँ, पुश पेन 8482, रिवर्स ऑफ दैट नंबर इज क्या 284872, ओके, तो हमारा प्रोग्राम काम किया, तो अभी चलते हैं हम आपको कॉपी में समझा देंगे ये पूरा कोड कैसे काम किया, ओके, ये व्हाइल लूप कैसे काम किया, तभी हम स्क्रीन को कॉपी में लेके चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम कॉपी में आ गए हैं, तो ये रहा मेन फंक्शन, और इंटीजर हम एन लिए थे और आर लिए थे, आर इक्वल टू रिमाइंडर है, ओके, तो अभी हम कुछ भी नंबर हम इनपुट करेंगे, जैसे कि 234 ये एक नंबर है, ओके, तो ये नंबर को हम इनपुट करेंगे एन की जगह, व्हाइल एन इज ग्रेटर देन जीरो, एन की वैल्यू क्या है 234 है, इज ग्रेटर देन जीरो, ये ट्रू है, ओके, अगर ट्रू होगा तो ये यहाँ तक आएगा, ओके, तो अभी एन इज ग्रेटर देन जीरो, तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा, जो नंबर होगा मॉडुलस 10, ओके, तो नंबर क्या है 234 मॉडुलस 10, मतलब ये डिवाइड होगा 234 डिवाइडेड बाय 10 34, ओके, तो रिमाइंडर क्या बचा, तो आर बचा, तो ये जो सॉरी चार बचा ये, तो जो रिमाइंडर चार बचेगा वो यहाँ पे जाके स्टोर होगा, तो प्रिंट एप क्या है, आर प्रिंट करेगा, तो आर मतलब क्या प्रिंट करेगा, फोर प्रिंट करेगा, ओके, तो एन इक्वल टू एन टू टेन होगा, फिर इसके बाद ये स्टेप है, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी न्यू वैल्यू 23 है, तो इधर 23 आके पुट हो जाएगा, अभी फिर से लूप चलेगा, इधर भी देखेंगे 23 इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन सेटिस्फाइड, ओके, ये फिर से इधर आएगा, तो आर इक्वल टू एन मॉडुलस 10, मतलब 23 डिवाइड होगा 10 से, कितना होगा 23, रिमाइंडर क्या बचा 3 बचा, तो आर पे 3 क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, तो 43 हो गया, अभी कितना है, एन का वैल्यू 2 है, ओके, तो ये फिर से जाएगा इधर, इधर क्या अभी प्रिंट होगा, सॉरी इधर क्या पुट होगा, 2 है इधर, तो ये जाएगा अभी व्हाइल लूप पे फिर से, तो 2 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन सेटिस्फाइड, तो ये फिर से इधर आएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 ये 0 होगा, रिमाइंडर क्या बचा 2, तो आर की वैल्यू क्या है अभी 2 हो जाएगा, ओके, तभी एन का वैल्यू क्या है
जीरो है तो जाएगा भी कंडीशन पे, जीरो इज ग्रेटर देन जीरो कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। ओके तो यहाँ तक लूप खत्म हो गया। तो अभी हमको जो नंबर मिला जो ये प्रिंट करेगा आर की वैल्यू कितना 4, 3, 2। ओके सो हम क्या इनपुट किए थे 2, 3, 4 इनपुट किए थे तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 4, 3, 2। थैंक यू।